दोस्तों, जैसा कि आप सभी मेरे हाथों में देख रहे हैं कि ये सिल्वर प्ले बटन आ गया है मेरे पास, और आपके भी अगर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं तो इस सिल्वर प्ले बटन के लिए आप किस प्रकार अप्लाई करेंगे, आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जिससे आप सभी भी आसानी से घर पर अपना सिल्वर प्ले बटन मंगवा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी अपने YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं तो आपको सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई करना चाहिए। आप किस प्रकार अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, जब आपके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं उसके कुछ दिन बाद आपके डैशबोर्ड, YouTube के डैशबोर्ड में एक आप सभी को पॉपअप दिखाई देता है या फिर मेल दिखाई देता है, जिसमें आप सभी को एक कोड दिया जाता है। उस कोड को मिलने के बाद ही आप सभी रिडीम कर पाएंगे अपना सिल्वर प्ले बटन या गोल्डन या जो भी अवार्ड आप जीते हैं, या मतलब आपने जितना भी अवार्ड के लिए जैसे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए हैं तो आप सभी को सिल्वर प्ले बटन, और 1 मिलियन पूरे किए हैं तो आपको गोल्ड प्ले बटन, और 10 मिलियन पूरे किए हैं तो आपको डायमंड बटन मिलता है। तो आप सबको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे आप सभी को इस पेज में। यहाँ पे आप सभी को डैशबोर्ड के लिए आपको ओपन करना है अपना अकाउंट। यहाँ पर आप सभी को ये जहाँ मैं एरो दिखा रहा हूँ, आप सभी को इस पर आकर क्लिक करना है। ये आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर से भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को अपना चैनल लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जब आप अपना अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट यूट्यूब का अकाउंट जब आप ओपन करेंगे तो आप सभी को कुछ इस तरीके से ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सभी जगह ये इसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप सभी को केवल इंतज़ार करना, कुछ सेकंड का वेट करना। अब यहाँ पे आप सभी को ऊपर देख सकते हैं पॉपअप में आप सभी को रिडीम कोड दिखाई दे रहा है हाईलाइटेड, एक ये देखिए नीली कलर से कुछ लाइन्स लिख के आ रहे हैं। ये बेसिकली वही कोड है जिस कोड के बारे में मैं बात कर रहा था। कभी कभी कुछ लोग करते क्या हैं, तुरंत ही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के 1 हफ्ते से 2 हफ्ते यानी 1 सप्ताह से 2 सप्ताह का टाइम लग सकता है आप सभी को ये मैसेज आने में। और यहाँ पे आप सभी को जो कोड दिखाई दे रहा होगा, आप सभी को उस कोड को जो है कॉपी कर लेना है। कोड को कॉपी करना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि मैं आप सभी को आगे जब बताऊंगा तो इसी कोड को आपको वहां पे पेस्ट करना होगा, इसलिए आप सभी को कोड को सबसे पहले कॉपी कर लेना है। तो यहां पे मैं कोड को कॉपी कर लेता हूं, आप सभी अपने हिसाब से कोड को कॉपी कर लीजिएगा या फिर आप कहीं पर भी कोड को इसे लिख कर भी रख सकते हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आप सभी को मदद मिलेगी। लेकिन आप सभी को ये कोड कहीं ना कहीं लिख कर रख लेना है क्योंकि अगर यहाँ से एक बार ये हट जाता है कोड तो फिर आपको ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा समस्या से आती, इसलिए आप सभी को ये कोड जो है सुरक्षित रख लेना। इसी कोड को रिडीम करके आप आसानी के साथ अपना सिल्वर प्ले बटन या गोल्ड प्ले बटन या जो भी अवार्ड आप जीते हैं उसको क्लेम करने के लिए आप सभी को इस कोड का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपका ये कोड नहीं आया है आपके मोबाइल में तो आप प्ले बटन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी को नीचे वेबसाइट में एक लिंक दे दिया है या फिर societyawards.com पर जाकर आपको अपना YouTube चैनल वाला ID डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से क्रिएटर्स अवार्ड का एक ऑप्शन दिखाई देने लगेगा और आप जो भी अवार्ड के लिए एलिजिबल होंगे आप सभी के सामने यहाँ अवार्ड दिखेंगे। बेसिकली इस समय 3 अवार्ड ही चल रहे हैं, तो यहाँ गेट रेडी टू सेलिब्रेट के ऑप्शन पे आएगा। अब जो आपने रिडीम कोड करना है या जो आपको मैंने बताया था कि कोड कॉपी करना है, उस कोड को आप सभी को यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे इंटर रिडीमेशन कोड लिखा है, तो आप सभी को उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद जो रिडीम अवार्ड का ऑप्शन है आप सभी को इस पर क्लिक करना है। तो जो मैंने आप सभी के सामने कोड कॉपी किया था तो उस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद रिडीम अवार्ड के ऑप्शन पे आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिडीम अवार्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये आगे की ओर आपके सामने ये पेज खुल के आएगा, तो आप सभी को रिडीम अवार्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे रिडीम अवार्ड पे क्लिक कर दिया है, आप सभी देखेंगे यहाँ पे आप सभी के सामने ये लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद ये आगे का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को करना क्या है, अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिखना है। यूट्यूब चैनल का नाम इसलिए लिखना पड़ता है, वही चैनल का नाम आपके
जो प्ले बटन होता है उसमें छप कर आता है। तो यहाँ पे YouTube का जो प्ले बटन आया है मेरे पास, उसमें मैंने AKG Mind लिखा था, तो आप इस उसे AKG Mind लिख सकते हैं। इसको करना क्या है कि आप सभी को यहाँ पे AKG Mind लिख लेना है। जैसे मेरे चैनल का नाम तो AKG Mind है, आपके चैनल का जो भी नाम है आपको यहाँ पर लिख लेना है। और आप सभी को मिस्टेक नहीं करनी, अगर आप मिस्टेक कर देंगे, नाम गलत लिखेंगे, तो वही नाम छप के आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया जा रहा है कि आपके जो प्ले बटन है उसमें लिख के क्या आएगा। तो ये देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है, अप्रूव पे आपको क्लिक करना है, अप्रूव एंड चेकआउट पे क्लिक करेंगे, अप्रूव पे क्लिक करेंगे, फिर से इसके बाद आप सभी के सामने ये लोडिंग लेगा और यहाँ पे प्लीज रिव्यू बिलो सेक्शंस का एक ऑप्शन लिख के आएगा केयरफुली। यहाँ पे आप सभी को कुछ बेसिक डिटेल्स अपनी भरनी होती है, जैसे एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर, ये सब सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। और ये देखिए एस्टिमेटेड टोटल जो है वो 0 रुपये दिखा रहा है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ भेजा जाता है। अब यहाँ पे ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस डालना है, कंट्री डालना है, नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, एड्रेस डालना है, तो ये सारी डिटेल्स आपको अपने हिसाब से भरनी होंगी। जैसे यहाँ पे मैं इंडिया लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे इसमें यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट पहले से, तो मैं इंडिया कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे और अप्रूव पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे जो अपना एड्रेस जो वो फिल कर लिया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी को ये देखिए एड्रेस मेरा दिख रहा है, तो आपको इस तरीके से एड्रेस डाल लेना है। फिर उसके बाद प्लेस ऑर्डर का एक ऑप्शन आप सभी के सामने जो है दिख रहा होगा, तो आप सभी को इस प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करने से पहले अपना मोबाइल नंबर और फुल एड्रेस जो है वो आपको एक बार फिर से दोबारा चेक कर लेना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर का जो ऑप्शन मैंने आप सभी को बताया, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने ये आई का ऑप्शन आएगा, क्लियर का इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप सभी को अपना फुल नेम लिखना है, जो आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड में हो, क्योंकि ये पैन कार्ड या आधार कार्ड जब आपका देखेगा, जब आपको डिलीवर करेगा, कोई भी जो भी आएगा कैंडिडेट वो डिलीवर करेगा, तो आपका पैन या आधार देखता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, तो आप सभी को सारी जानकारी मिल गई होगी और आप सभी को पता चल गया होगा कि आप सभी किस प्रकार आसानी के साथ सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।